जवेरिया सऊद भाई, इनकी गोल्डन मेमोरीज हम शेयर कर रहे हैं। और जो घर के हीरो हैं ना, इब्राहिम है माशाल्लाह, मैं आपको इब्राहिम के बारे में बताना चाहूँगी कि इब्राहिम कितने क्रिएटिव हैं। इनके अम्मा अब्बा मुझे किस्से सुनाते रहते हैं, ये ग्राफिक्स करते हैं ना, ये बड़े टेक्निकल माइंडेड है, एनिमेशन और अपने अच्छा खुद ही बनाता है, खुद ही शूट करता है, खुद ही एडिट करता है, खुद ही म्यूजिक डालता है, पूरी प्रोमो, बल्कि मैं वो आपको शेयर करूंगा, अभी मंगवा के देता हूं आपको। अच्छा, अभी इनकी फिल्म आ रही है। हाँ जी जी, खुद बनाने बनाई अपनी, खुद बनाई है। और मैंने कहा इब्राहिम जल्दी करो, तो कहता है बाबा 1 से 2 साल लगते हैं फिल्म बनाने में अच्छी। और आपने मुझे इतना सा वो दिया है आईपैड, उसमें आप चाह रहे हैं कि मैं फौरन फिल्म तैयार करूं। ओह माय गॉड, तो इब्राहिम आपको ये सब शौक कैसे हुआ? क्या आपको शौक था कि जैसे मम्मा डैडी ड्रामे बनाते हैं, आप भी कुछ इस तरह की क्रिएटिव चीज करो? यूट्यूब का शौक हाँ, लेकिन क्योंकि मैं जब भी चीजें देखता हूँ, कभी कोई और कभी जिश करके, तो मैं बहुत इंटरेस्टेड होता हूँ कि काश अच्छा मैं उधर होता, अगर मैं उधर होता तो कैसे दिखता था। इसलिए मुझे शौक है। हाँ, फिर ये शौक कैसे शुरू हुआ? अपने आपको स्पाइडरमैन बना के उड़ाते हैं। अच्छा, ये क्रोमा करता है खुद, अपना सारी चीजें बनाता है। तो आपको ये चीज आई कैसे, आपके शौक आपके अंदर कैसे डेवलप हुआ? लेकिन मुझे बस बहुत कूल लग रहा था, गेम्स वेम्स अच्छे लगते थे आपको? हाँ, क्या अगर मैं उधर होता कितना और अच्छा होता, क्योंकि बहुत अच्छी। तो आप क्या बनना चाहते हैं, आप बड़ी हो के आपने क्या सोचा? इसी तरफ आएंगे, ग्राफिक्स की तरफ, कंप्यूटर? हाँ इंशाल्लाह, ये मैं इसको एले वगैरह में ना एनिमेशन वगैरह, हाँ, ये सारे ये करेंगे। आपको लग रहा है कि इसके अंदर वो चीज़ है, शौक है? हाँ। नहीं, बहुत हमें नहीं पता जो चीजें करता है। हाँ, आपको बल्कि इसके जो YouTube चैनल्स में इसे बताता है कि किस तरह से करना चाहिए, किस तरह से बनती है एनिमेशन। क्या किस नाम से YouTube चैनल है इब्राहिम का? नंबर ना सुनने, बताओ ताकि हमें तो पता चले। इब्राहिम साउथ फन, इब्राहिम साउथ फन चेंज कर लिया मैंने। क्या किया? बस नाम इब्राहिम है, लेकिन जो आईज है वो वन है, वन कर दिया। अच्छा अच्छा, तो ऐसे सब्सक्राइब कर लेंगे ना, फॉलोअर्स बढ़ेंगे। इब्राहिम वन। मामा मेरे पे गुस्सा हो रही थी कि सही से बात करो, वरना ऐड ही मिलेगा, क्यों बच्चे को दे दूंगी मैं। हाँ। इसके ऐड के उनका इसका इंट्रोडक्शन बनाकर एक भेज दें। अच्छा। तो वो बताता हाय आई एम इब्राहिम, और फिर हंसे जाए क्योंकि उस टाइम मैं इंग्लिश में नहीं बात करता था। अच्छा, अब तो आप बहुत फट इंग्लिश बोलते हैं। तो बात इंग्लिश में करते हैं। जन्नत ने एक ऐड किया था, आई थिंक बिस्किट का, बड़ा प्यारा ऐड किया, बहुत प्यारा, मुझे याद है। तीन ऐड किए, कपकेक का। हाँ, कपकेक का मैंने कहा था, वो जन्नत की गुटू लग रही है। एक सोप का किया था, एक कपकेक का किया था, एक रेफ्रिजरेटर का किया था, और एक फोन का किया था। ऑनलाइन जो होती है, ये बड़ी शरारती है शुरू से, मुझे अच्छे से याद है। जो इनकी बताई थी हरकत, आपने बताई थी आके, वो कह रहे थे रिमोट कैसे चेंज हो रहा है। हाँ, आपने मुझे बताया था आईपैड से। आईपैड से क्या था किस्सा? जरा आप बताइए क्या था किस्सा इनका। ये इनको वो देखना था, एक यूट्यूब में कुछ मैंने खबरें देखनी थी। इन्होंने कहा कि मैंने देखनी है, मैंने कमरे से भगा दिया। इन्होंने अपने फोन पे करके चेंज करता रहा, देखे आईपैड में बैठ गया, कर लिया रिमोट। मैं देख रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि क्या मसला चल रहा है, टीवी खराब हो गया। टीवी वाले को कॉल कर दी, इसका सेंसर खराब है, ये अभी नया टीवी दिया है, ये खराब हो गया। पीछे से ये चेंज कर रहा था चैनल। मैंने इसकी शक्ल देखी, मुस्कुराहट, मैंने कहा ये कुछ कर रहा है, मैं सिर्फ देखूंगा भाई। फिर उसने बताया कि मैं ये कर रहा हूँ। जन्नत, आप इसके पैदा होने पे कितनी खुश हुई थी, ये वीडियो आए हैं है ना, खेलती थी आप इससे या पिटाई लगाती थी? नहीं, मेरी इंपॉर्टेंस छिन गई, ऐसा नहीं करती थी। जब मैं उनके रूम में जाता हूँ, मुझे हाथ दिखते हैं, मैं डर जाता हूँ। मैं बाहर क्या दिखता है? हाथ, वो यूं कर मुझे देखते हैं ना, उनका हाथ यूं ऊपर, हाथ ऊपर हो रहा होता है। ओहो ओहो, हर चीज पे गुस्सा होती है यार। अच्छा, जरे बहुत डोमिनेटिंग सी बहन है ये। नहीं करो इब्राहिम, ऐसे नहीं करते, वैसे नहीं करते। हाँ थोड़ी सी, इतना मासूम है ना, चुपचाप कमरे से चला जाता। लो मामा, क्या लात लात मार के निकालती है? मैं अल्लाह, एक बार मेरे बात नहीं, ये मुझे बोलता है जन्नत आपी मैं जमीन पे लेटा हूँ, मेरा हाथ खींच के मुझे बाहर लेके जाए। क्यों? मुझे नहीं पता, बोलता मुझे मजा आता है। और फिर जब हम देख रहे थे, कहते देखे मुझे बाहर निकाल ले। इसकी कोई वीडियो क्यों नहीं बनाई? YouTube पे चैनल पे डालो ना। मस्ती, जन्नत ने अपने ना ब्रश के ऊपर लिखा हुआ है इब्राहिम, उसको टच नहीं करना, डू नॉट टच बालों वाला ब्रश। हां,
वो मैंने पहले और इब्राहिम अपने रूम के बाहर लिख के रखा बाबा नॉट अलाउड क्यों क्यों बस कहते मुझे अकेला छोड़ दे कमरे में लीव मी अलोन भूल जाओ सब कुछ क्यों क्या सब माया हाँ जब से लाइफ में लगुना आया बस 10 फरवरी से पहले अपने एयर वाई लगुना फॉर्म वेरीफाई करवाओ अच्छा? और हर फॉर्म पे 1,00,000 डिस्काउंट कमाओ अब मिलेंगे एयर वाई लगुना के हर वेरीफाइड फॉर्म पे 1,00,000 रुपए और पाकिस्तान में पहली बार 1% पर मंथ पेमेंट प्लान याद रहे हर वेरीफाइड फॉर्म होगा ट्रांसफरेबल मजीद मालूम के लिए विजिट करें www.arylaguna.com ARY लगुना ये है कराची